आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर यातायात, कानपुर डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार के आदेशों का पालन करना टीएसआई को पड़ा महंगा। डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार के सख्त आदेशों के बाद यातायात माह के चलते गलत दिशा में वाहन चलाने वाले बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालकों पर कार्यवाही के चलते सर्किट हाउस पर लगे यातायात टीएसआई अमित भार्गव के द्वारा वाहनों पर कार्यवाही करने पर वाहनों की वसूली करने वाले उक्त लोगों ने संगठन बनाया कार्यवाही न करने का दबाव। उक्त लोगों ने यातायात पुलिस पर दबाव बनाकर कार्यवाही के चलते लगाया पुलिस पर रुपये वसूलने का आरोप। यातायात दरोगा को कैलेश देखते उक्त लोगों ने अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए बनाया दबाव। यातायात टीएसआई ने अपने आप को उक्त लोगों से कार्रवाई न करने के दबाव में चारों तरफ से घिरे होने के उक्त प्रकरण की जानकारी यातायात कंट्रोल को दी सूचना। जानकारी अनुसार बताया गया कि उक्त लोगों एक शोएब नाम का एक युवक बिना मानक के अवैध तरीके से ऑटो टेम्पो रिक्शा खड़ा कर सड़क पर गलत तरीके से सवारियों को भरवाता है और अपना रौब झाड़ते हुए यातायात विभाग कर टीएसआई से सभी ऑटो टेम्पो चालकों को एकत्रित कर दबाव बनाने में लग गया। यातायात पुलिस के कार्यवाही करने से दबंगों ने यातायात दरोगा को घेरा तो ऐसे दबंग किस्म के उक्त लोगों को पुलिस का डर नहीं बचा तो आम जनमानस का क्या होगा। दरोगा को घेरने की कार्यवाही न करने देने के बाद में उक्त लोगों द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद पहुंच गया यातायात पुलिस लाइन शिकायत प्रार्थना पत्र लेकर। जांच का विषय आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अकेले दरोगा को दबाव में लेते हुए। राहुल कुमार तिवारी, ब्यूरो चीफ, कानपुर। आप धाराएं लगाओ, आप उल्टी बात कर रहे हो। अगर किसी की गाड़ी रोकी जा रही है आप उल्टी बात कर रहे हो। आप कौन है? आप कौन है ये बताइए। सही बात है, सही बात है। वीडियो एक कड़िया, एक साथ में वो भी कड़िया, वो भाग गया साथ वाले भाग गए इनके। साथ वाला तुरंत कट गया, साथ एक और था वो भी कट गया तुरंत, भाई सीधा वाली खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।